नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पौराणिक कथा चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कही गई 15 अनमोल बातों के बारे में, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कही गई 15 अनमोल बातों के बारे में। पहला वचन, जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। दूसरा वचन, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। तीसरा वचन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। चौथा वचन, वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। पांचवा वचन, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। छठवा वचन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सातवा वचन, नरक के तीन द्वार, वासना, क्रोध और लालच। आठवां वचन, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। नौवां वचन, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। दसवां वचन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। ग्यारहवां वचन, जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र है। बारहवां वचन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तेरवा वचन, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। चौदवा वचन, भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो। पंद्रवा वचन, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। दोस्तों, अगर आप प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये 15 अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस पर आप हमें कमेंट कर अपनी राय दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें, पौराणिक कथा चैनल।